दर्शकों नमस्कार। किसी भी व्यक्ति, समाज या मुल्क की तरक्की और खुशहाली डिपेंड करती है वहाँ की शिक्षा पर, कि वहाँ की शिक्षा नीति क्या है, शिक्षा व्यवस्था क्या है उस पर। तो ऐसे में राष्ट्र या देश या सरकार एक शिक्षा नीति बनाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दे दी है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक ऐमा जी को। तो आइए उनसे बात करते हैं। ऐमा साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार जगमोहन जी, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और जो आज की परिचर्चा बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये कोई 34 साल के बाद एक ऐसी व्यवस्था को स्वरूप दिया गया है जहाँ पे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को एक एक जोड़ लिया गया है जी। क्या रहा है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था अभी तक रही है, हालांकि इतने कमीशन आए, उसमें स्कूल अलग चल रहे थे, कॉलेजेस अलग चल रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ अलग चल रही थी। ना स्कूल वालों को पता कॉलेज में क्या हो रहा है, कॉलेज वालों को यह नहीं पता यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा, कोई इंटीग्रेशन नहीं थी इनमें। इस व्यवस्था में आप देखेंगे ये स्कूल शिक्षा से ही जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। मैं भी मानता हूँ कि भारतवर्ष में देखिए करीब करीब 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई 15 लाख स्कूल हैं, कोई 40,000 के से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जी। और इतने बड़े देश में आप बताइए शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे उस मापदंड में लाएं कि जो जम्मू कश्मीर से बच्चा जो पढ़ रहा है जी, क्या जो महाराष्ट्र में पढ़ रहा है क्या एक जैसा है जी, जो कर्नाटका में पढ़ रहा है एक जैसा है, ये आज तक संभव नहीं हो पाया जी। अहमद साहब, इस नीति में क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी बातें आज इसके इस प्रोग्राम में हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए चाहता हूं कि आप बताएं कि शिक्षा नीति होती क्या है और किसी देश की शिक्षा व्यवस्था में उस नीति का क्या रोल होता है। मैं आपसे ये कहूँ, जैसे आपने खुद कहा कि एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी नेशन। अगर आप कह रहे हैं कि किसी राष्ट्र का चरित्र देखना हो तो राष्ट्र के चरित्र उसके लोगों से देखते हैं जी। उसके लोगों का जो प्रारंभ होता है वो स्कूल से होता है। जो हमारे स्कूल हैं दैट्स अ कैरेक्टर फॉर्मेशन लेबोरेटरीज जी। और इस नीति से अगर आप ना चलें तो फिर इसमें जो है वो डिस्ट्रप्शंस आती हैं। मैं मानता हूँ कि शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो होलिस्टिक हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा चरित्र बनाने का एक माध्यम बनना चाहिए जी। तो उसमें हमारी जो शिक्षा नीतियाँ रही इतने कमीशन्स में आए, उसमें शायद आजकल के संदर्भ में आप देखिए जो पेंडेमिक है, इसमें जो शिक्षा में जो बेसिक वैल्यूज़ होनी चाहिए जी। देखिए कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी क्या है जी। काफ़ी लोग समझते हैं कि जो दरिद्रता है वो आर्थिक होती है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि दरिद्रता आर्थिक और बौद्धिक है जी। आर्थिक दृढ़ता को तो आप पकड़ लेंगे, पर जो बौद्धिक दृढ़ता है जिस समाज में है जी, जो समाज अवेयर नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, मतलब जिसमें चेतना नहीं है, उस समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो शिक्षित समाज हम उसी को कहें जो, जो केवल साक्षर या शिक्षित ना हो बल्कि जागृत हो। जागृत हो एजुकेशन से, तो एजुकेशन मस्ट बिकम ए लिबरेटिंग फोर्स। और तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि शिक्षा का ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जो समाज और संस्कृति में एक जागृति आए, एक चेतना का भाव आए कि जो हम कर रहे हैं क्या, मतलब एजुकेशन मस्ट गिव यू अ पावर ऑफ रैशनैलिटी कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या सुधार हो सकता है। डॉक्टर साहब, लगभग 3 दहाकों से ज़्यादा समय के बाद कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और इसको बड़ा वैचारिक तौर पर अलग अलग समाज से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग वर्गों से संपर्क करने के बाद इसको बनाया गया, तैयार किया गया है। तो अलग अलग वर्गों और अलग अलग क्षेत्रों से संपर्क करने का क्या अर्थ है इस शिक्षा नीति को, किस प्रकार हम सुधारात्मक या पूरी तरह एक परिवर्तित बनाना चाहते हैं। आप देख लीजिए जगमोहन जी, मैं आपसे कहूँ कि देयर हैज़ टू बी पर्पज़ ऑफ एजुकेशन जी, एक पर्पज़ होना चाहिए। पर्पज़ जो हमारा यहाँ रहा, देखिए हम
47 आज़ादी के बाद की जो शिक्षा व्यवस्था हमारी रही, दैट वाज टू प्रोड्यूस वाइट कॉलर जॉब्स. मतलब उसमें बौद्धिक क्षमता के ऊपर ध्यान नहीं था. उसमें ये था कि भाई आपने ग्रेजुएशन की, मैट्रिक की, इंजीनियरिंग की. आज ये हाल देखिए कि हमारे 80% इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल है. डिग्रियाँ तो उनके पास भी है. आपके यहाँ रहबर तालीम में जो आजकल हमारे यहाँ पे भी है यूनियन टेरिटरी में 8,000 पे है, जिसने PhD किया है, मतलब जिसने BSc किया है, MSc किया है, PhD किया, मतलब अपने जीवन के करीब करीब 35-35 वर्ष उसने शिक्षा में. वो फिर क्या लगता है, रहबर फिर भी वो अपनी आजीविका कमाने में रहबर तालीम लगता है. इस करके हमें ये जो प्रयास किया गया है, इसमें आप देख रहे हैं कि हम स्कूल व्यवस्था से ही चल रहे हैं, जहाँ से उभर के फिर कॉलेज में आएंगे और फिर यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे. देखिए ये एक करीब करीब वैदिक ये पीरियड से लेकर के से देखिए क्या है, कहते हैं समाज और संस्कृति का उत्थान मनुष्य की चेतना में है. जहाँ समाज और संस्कृति की चेतना जड़ हो जाए, वहीं उसके विनाश का कारण बनती है. देखो वो जो चेतना है वो तो शिक्षा से ही आएगी. तभी शिक्षा को हम इतना वो महत्व देते हैं. अगर आज के ये आप देखें जो मैं, क्योंकि अभी कल ही ये शिक्षा नीति आई है, तो इसमें जो कुछ कुछ मेजर इश्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, वो मैं आपसे जी उन्हीं पॉइंट्स की तरफ डॉक्टर साहब हम बढ़ते हैं. इसमें एक नया पैटर्न जो है वो शुरू किया गया है, 4+3+3+5 जी. अब देखिए पहली दफा हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक लिंक मिला है. मतलब आपने कहा नहीं जी पहले 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा. तो ये जो ग्रेजुअल अपवर्ड मूवमेंट है, एक बड़ी सिस्टमैटिक है, एक बड़ी मतलब प्लान्ड है. ये पहला इसका फीचर जो है. और तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बता दें कि ये जो 5+3+3+4 ये है क्या. ये देखिए 5+ जो 5 का है वो 3 to 8 ईयर एज में आप जो बच्चे हैं उनको आप जो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल्स हैं जिसमें एज ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14, 14 to 18. तो ईच ग्रुप में जैसे 5 पे इसका जो प्री प्राइमरी में है, इसमें जो इसकी बच्चे की जो क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग है, ये सिर्फ वो रोट लर्निंग नहीं है, इसमें ध्यान दिया गया है. इसमें जो पेडागोजिकल फ्रेमवर्क दिया गया है उसमें सिर्फ आप देखिए फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी इन ऑल स्कूल्स फॉर लर्नर्स बाय ग्रेड 3 बाय 2025. तो इसमें जो बौद्धिक जो व्हाट यू कॉल द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी जो है उसको फोकस किया गया है. नहीं सिर्फ कि आप सिर्फ एग्जाम दीजिए और आपको फिर आगे पीछे का कोई पता नहीं है. ये एक इसमें जो मेजर अचीवमेंट ये हुई है. दूसरी इसमें आप देखिए एक पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर भी फ्रेम किया गया है, जिसमें बच्चों के डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट पेडागॉजीज इसमें इवॉल्व होंगी. आप ये देख लीजिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेस किया है, इसमें नेशनल मिशन फॉर ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी पे बड़ा स्ट्रेस दिया गया है. न्यूमरेसी इन द सेंस दैट योर कैपेबिलिटी ऑफ कैलकुलेशन should sharpen your brain. It should not be repetitive. ये बड़ा important. National book पे focus किया गया है ताकि books are available. A new national assessment center PARAK, performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development will be set at each level. ये this is a major emphasis. सबसे बड़ा जो मैं आपको कहूँ कि जो भारतवर्ष में इसमें जो मतलब हिस्टोरिकल ये है कि आप 1.7% GDP से 6% GDP, ये अभी तक इसे आप देख लीजिए कि जो रिसोर्सेज आज टेक्नोलॉजी में, टीचर्स ट्रेनिंग में, रिक्रूटमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलेगा, इसे मैसिव जंप, मतलब इस प्रैक्टिकली 5 times मोर देन व्हाट. दैट मींस आपने नेशनल लेवल प्लानिंग में पहली दफ़ा शिक्षा को वो प्राथमिकता दी है जिसे आप कह रहे हैं कि एक यहाँ की जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है जो मैन पावर है, वो मैन पावर सिर्फ डिग्री होल्डर, मैन पावर विच इनोवेट्स, रिसर्चेस एंड क्रिएट्स. शिक्षा का यही शिक्षा वो शिक्षा व्यवस्था या वो शिक्षा संस्थान
जो कंट्रीब्यूट नहीं करती, योगदान नहीं करती हैं, मुझे लगता है उसमें एक बड़ा, देखिए आपके यहाँ से करीब करीब 10 लाख बच्चे जो हैं बाहर जा रहे हैं बच्चे जी, क्यों, और द बेस्ट जी, और वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन, अब देखिए इस व्यवस्था से हम ब्रेन ड्रेन कराएंगे जी, कि दे कम बैक, ये व्यवस्था इसमें हो रही है। और आपसे बताएं कि और अपने आप में ही जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना, ये इस बात का सबूत है कि हमने रियलाइज किया है कि शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है, उसको कितना महत्व दिया जाना चाहिए। कह रहा हूं कि तभी मैंने आपसे पहले कहा कि पॉवर्टी शुड नॉट बी ओनली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक, यू हैव टू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ ए नेशन। और आप देखिए जापान आपके पास क्लासिकल एग्जाम्पल है जी, 45 में हिराशिमा नागासाकी हुआ, ना उनके पास लैंड है जी, ना उनके पास ऑयल है जी, ना उनके पास फॉरेस्ट है, ना उनके पास मिनरल है, क्या है उनके पास कि उन्होंने 30 साल बाद अमेरिका को बॉम्ब आउट किया इकोनॉमिक फ्रंट जी। ओनली द इंटेलेक्चुअल पावर, पावर ऑफ क्रिएशन एंड इनोवेशन। इतने बड़े देश में आपके पास, मैं जैसे आपसे कह रहा था, करीब करीब 3 करोड़ बच्चे जी हैं, और अगर उनकी योग्यता इनोवेशन और क्रिएटिविटी में आए, आप क्या कहते हैं, भारत, इंडिया विल बी वन ऑफ द अपफ्रंट लीडिंग नेशंस। आप, वी कैन नॉट अंडरमाइंड द एसेंस ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। और इसमें वो बिल्कुल इस, अच्छा इसमें एक और प्रावधान है कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही कहा जाता था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह की है कि पढ़ने के बाद हमें सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है, डिग्री मिलती है या डिप्लोमा मिलता है, हम उसका इस्तेमाल करते हुए, ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अपनी आजीविका तक नहीं कमा सकते। वही मैं, तो वोकेशनल एजुकेशन को ऐड करना कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अभी तक ये जो अभी पेंडेमिक आया, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, सर्विस सेक्टर हुआ। और सर्विस सेक्टर में एकदम एट्रिशन रेट अगर आप देखेंगे, नौकरी में हजारों से निकाले गए। आप देखिए जितने हमारे मिडिल ईस्ट में वापस आ रहे हैं, क्या बात है कि हम यही लोग ये इसी अपनी क्षमता से अपने देश में, ये पॉल रोमर एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला जी, उनकी एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी बड़ी पॉपुलर है आजकल, वो कहते हैं नहीं, जो क्षमता है वो अंदर होनी चाहिए जी, वो ग्रास रूट लेवल पे होनी चाहिए, आप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो आपकी ग्रोथ ओरिएंटेशन है वो नीचे से ऊपर को आए, यानी कि ऊपर से इम्प्लांट करें। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था रही है, दिस इज मोर ए ट्रांजैक्शनल आर्गुमेंट, सर्विस सेक्टर फोकस्ड है, लेकिन हमें जो नई शिक्षा व्यवस्था चाहिए उसमें एक वोकेशनल करेक्टर आना चाहिए। आप देखिए जिस तरह का हमारे करीब 300 मिलियन मिडिल क्लास है जो अमेरिकन पॉपुलेशन से ज़्यादा है, इनकी जो कंजम्पशन लाइफ स्टाइल्स है उनको कोई कैडर करने के लिए नहीं है जी। तो हमें जो शिक्षा व्यवस्था जो है ये सिर्फ डिग्री से नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी से होनी चाहिए जी। उसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मैं आपसे कहूँ कि अगर आप एक रशिया की एजुकेशनल पैटर्न देखें, उन्हें मैक्सिमम फोकस उन्होंने सिर्फ पॉलिटेक्निक्स में रखा, जहाँ आपके पास अच्छा इलेक्ट्रिशियन मिले, अच्छा मेसन मिले, अच्छा कारपेंटर मिले, अच्छा जो बैकअप सर्विस करने वाले हैं, वहाँ पे ये नहीं था कि आप ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, बस डिग्री लेते रहिए पर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं। तो इस शिक्षा नीति में आप देखेंगे एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी को इंटरलिंक किया गया है, और वो पहले से किया गया है, और बाकी जो एजुकेशन के साथ साथ इसमें जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको भी इसमें जोड़ा गया है, मेडिकल एजुकेशन को इसमें जोड़ा गया है, लीगल एजुकेशन जो है उसको इसके साथ जोड़ा गया है। तो इन ये जो अलग अलग स्ट्रीम्स थे, इन फील्ड्स को इसमें जोड़ने का क्या मकसद आप समझते हैं, और उससे किस तरह फ़ायदा होने जा रहा है? आप देखिए ये जैसे मैंने आपसे भी कहा कि ये जो एजुकेशन, इट मस्ट सर्व द पर्पस, पर्पस मीन्स इट मस्ट हैव एन एप्लीकेटिव रेलेवेंस। आप इंजीनियरिंग करें और फिर आपको जॉब ना मिले, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, आप लॉ करिए फिर ये नहीं। इसमें क्या हुआ, ये फर्स्ट टाइम अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुला, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, उसमें क्या बन रहा है, अब आपके क्रेडिट बैंक बन रहे हैं। अगर बच्चा जम्मू में पढ़ रहा है, कल को मानिए उसके पेरेंट्स कलकत्ता चले गए जी, तो जो यहाँ के क्रेडिट होंगे वो वहाँ ट्रांसफ़र होंगे, मतलब देयर विल बी अ सीमलेस मूवमेंट
ऑफ बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर डिग्रीज। जैसे और उसमें मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री की व्यवस्था रखी गई, वो बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप किसी कारणवश मानिए एक साल पहले निकला है तो आपको एक टाइम पे यू कैन कम बैक एंड स्टार्ट योर एजुकेशन। ये बड़ा हेल्दी प्रैक्टिस है। इससे क्या होगा, ये जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है दैट विल बी अरेस्टेड, कि इसमें कोई ऐसी व्यवस्था जो बनाई गई है ये बड़ा हेल्दी एज। और जैसे पहले ग्रेजुएशन कोई कर रहा होता था तो अगर वो पार्ट वन करके छोड़ देता था तो उसकी जो डिग्री है वो जीरो रहती थी, और अब प्रावधान रखा गया कि अगर आप पार्ट वन पास आउट कर जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आई थिंक डिप्लोमा मिलेगा, और अगर डिग्री मिलेगी करते हैं तो फिर आपको डिग्री मिलती है। यही व्यवस्था हमारे वोकेशनल इसमें आप देखेंगे कोर्सेज में है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री और मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। यानी कि आप देखिए एक और में आपको एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फॉर डिजिटली स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न फ्रॉम डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सो दैट दिस कैन बी ट्रांसफर्ड एंड काउंटेड टुवर्ड्स फाइनल डिग्री डिमांड। तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, आपको ये नहीं है कि कहेंगे जी बंदिश नहीं है। तो ये जो सीमलेस फ्लेक्सिबिलिटी आई है ये दिस ए वेरी हेल्दी थिंग टू हैपन। नहीं तो काफ़ी बच्चे किसी कारणवश ये डिग्री आदि पढ़ाई छोड़ देते थे, डोमेस्टिक हो इकोनॉमिक हो, लेकिन ये उसमें प्राविधान जो है बड़ा अच्छा है। और एक और जो बड़ा पॉइंट अच्छा है इसमें आप देखेंगे कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स। क्योंकि आप देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ 15 लाख स्कूल हमारे हैं, करीब करीब 2-2.5 करोड़ बच्चे हैं जी। जो टीचर्स इनको पढ़ाते हैं वो भी तो सक्षम होने चाहिए जी। तो एक नई इनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है कि ताकि जो बच्चे जिनको ये पढ़ाते हैं चाहे देहात में पढ़ाते हैं चाहे या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो इनमें जो शिक्षा की जो कैपेसिटी है कॉम्पिटेंस है दैट मस्ट डिलीवर इन द क्लासरूम। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें आया। और जो हम कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज द हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26% इन 2018 टू 50% इन 2035 एंड एम्स टू एड 3.5 करोड़ न्यू सीट्स टू हायर एजुकेशन। तो इसमें जो एक्सेस बच्चों को जो रह जाते हैं, आप देखिए कि जो IIMs, IITs या जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं हजारों में बच्चे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो एडमिशन होता है 100% पे होता है, उसका मतलब है जो 95% वो कम है, स्कोप ही नहीं रहा पढ़ने, मतलब वो क्या कम नहीं, ऐसी बात नहीं। इससे क्या होगा, 3.5 करोड़ से ह्यूज नंबर एडिशनल सीट्स विच हैज बीन क्रिएटेड। एक और जो है इसमें न्यू पॉलिसी एम्फसाइजेस ऑन सेटिंग अप जेंडर इंक्लूजन फंड and also special education zone for disadvantaged regions and groups. आप चाहे खरदुंगला में हो, जनस्कार में हो, यहाँ बॉर्डर में हो या यहाँ बनी बसोली में हो, ऐसे स्कूल हमेशा डिप्राइव्ड रहते थे। तो इनके लिए इन्होंने स्पेशल फंड क्रिएट किया है which will be need based and it will cater to their requirement. That I think is a huge contribution to the ट्रेन द टीचर्स प्रोवाइड द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इवन आजकल तो टेक्नोलॉजी चाहिए चाहिए आपको। सो मुझे लगता है जो बिगेस्ट चैलेंज इसमें एब्जॉर्व किया गया है, हाउ डू यू क्रिएट ए वाइब्रेंट टेक्नोलॉजी इंटरफेस विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द रीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर लोकेटेड। दिस इज ह्यूज एडवांटेज व्हिच इज गोइंग टू कम थ्रू। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल हमारे दर्शक भी हमें फ़ोन करके पूछते हैं, उन्हें इस पे क्लैरिटी नहीं है। इसमें कहा गया कि पहले स्ट्रीम्स हुआ करते थे, आर्ट्स का स्ट्रीम, कॉमर्स का स्ट्रीम, मेडिकल या नॉन मेडिकल का स्ट्रीम, तो अब नई पॉलिसी में कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था रहेगी कि अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट म्यूजिक या आर्ट्स में कोई विषय पढ़ना चाहता है या ह्यूमैनिटीज का कोई विषय पढ़ना चाहता है तो उसके लिए उसको छूट होगी। तो वो व्यवस्था किस प्रकार संभव हो पाएगी? वो चॉइस ऑफ क्रेडिट कोर्सेज एट हायर एजुकेशन, बिल्कुल ठीक कह रहे आप। देखिए अगर आप वेस्टर्न मॉडल देखें, मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे जो इंजीनियर हैं, सडनली दे गो फॉर आर्ट्स, मतलब पेंटिंग करने में जाते हैं, म्यूजिक में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं। द पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि बच्चे की जो इनर पोटेंशियल है
उसको कैसे आप उजागर कर पाए, वहीं से तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी आएगी। आपका जो टैलेंट है, योर टैलेंट मस्ट मैच, और आपकी दिलचस्पी किस फील्ड में, वही टैलेंट क्या है, इंटरेस्ट किस में है, वो कहीं इस जो हमारी अभी तक की व्यवस्था रही है, जी आपने इंजीनियर बनना है तो बनना ही बनना है, आपने डॉक्टर बनना। मैंने ऐसे इतने बच्चे देखे जो अच्छे डॉक्टर हैं पर दिल नहीं है उसमें, क्या था, नो वी डिडंट वांट टू बी डॉक्टर्स, क्योंकि आप पेरेंटल कंपल्शन था, डिसीजंस वुड बी टेकन। पर ये फ्लेक्सिटी आज है, द आइडिया है कि जो अंदर आप में जो हिडन टैलेंट है, जो आपके इंटरेस्ट है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। डजंट मैटर आप अगर साइंस में पढ़ रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो क्या बुरी बात है अगर आप कल्चर और सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया पढ़े पा रहे हैं। सो दैट द आइडिया इज टू डेवलप ए होलिस्टिक पर्सनैलिटी, होलसम पर्सन। आई थिंक वो व्यवस्था इसमें बड़ी अच्छी। एक और बात जो नई जो अच्छी लगी मुझे, क्योंकि ये छोटी ये गवर्नमेंट जो सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में, इवेंचुअली कॉम्पिटिटिवनेस कॉम्पिटेंस विल बी द आर्बिट्रेटर। उसमें आप देखिए पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी गवर्न बाय द सेम सेट ऑफ नॉर्म्स फॉर रेगुलेशन, फॉर एक्रेडिटेशन, फॉर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। ये बड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट है, क्योंकि देखिए समाज और सोसाइटी को इवेंचुअली लोग चलाते हैं, गवर्नमेंट नहीं चलाती है। अगर आप देखिए वेस्टर्न ग्रोथ देखें आप, तो लोगों के प्राइवेट एंटरप्राइज से आई है गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट हैज बीन ए फैसिलिटेटर, पर हमारे यहाँ जो धारणा है कि जो करना है वो गवर्नमेंट ने करना है, मुझे लगता है वो आर एड्रेसिंग टू दैट इशू दैट इवेंचुअली इट इज़ द पीपल्स कॉम्पिटेंस, देयर इनिशिएटिव, देयर एंटरप्राइज विच मस्ट ड्राइव द सोसाइटी। दैट इज़ वेरी क्लियर इन दिस। जी डॉक्टर साहब, शिक्षा का मकसद होता है सीखना और समझना, और हमारे देश में होड़ है अंग्रेजी भाषा की कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है, लेकिन इस नई शिक्षा नीति में व्यवस्था रखी गई है कि शुरू में बच्चा जो पढ़ेगा वो अपनी मदर टंग, जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें पढ़ेगा। तो ऐसी व्यवस्था रखने से आप क्या समझते हैं, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, टीचिंग अप टू क्लास फिफ्थ इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, लोअरिंग द स्टेक्स ऑफ बोर्ड एग्जाम, ए सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन एक्सेप्ट फॉर लॉ एंड मेडिकल कॉलेजेस एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटीज आर पार्ट ऑफ द स्वीपिंग रिफॉर्म्स इन द न्यू पॉलिसी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड करता है मदर टंग में। पहले घर में भाषा बोली जाती है, घर में जो भाषा बोली, तो उससे क्या होता है कि उसकी यू हेल्प हिम टू लर्न फास्टर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग इन दैट कॉम्प्रिहेंशन लेवल लोकल लैंग्वेज मदर टंग में फार बेटर देन कि पहले इसको आप अंग्रेजी, यहाँ पे ये दौड़ लगी है जी, पहले इसको ए बी सी डी पढ़ाइए, उसको अंग्रेजी में बात करिए। तो इन द प्रोसेस क्या होती है कि बच्चे की जो कॉम्प्रिहेंशन है, एब्जॉर्प्शन लेवल है, बड़ी कम रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि उसको यहाँ गांव में आप जाइए, काफ़ी बच्चे फिफ्थ एट्थ स्टैंडर्ड तक इंग्लिश में लिख नहीं पाते और बेचारे कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। ये बिल्कुल आई थिंक इट्स ए वेरी हेल्दी थिंग टू हैपन। ठीक है, फिफ्थ स्टैंडर्ड के बाद बच्चे की जो फैकल्टीज ऑफ माइंड है वो डेवलप होती हैं, मैच्योर होती हैं, देन ही कैन टेक ऑन टू अदर। बट आई पर्सनली बिलीव बिल्कुल ठीक है कि जो कहते हैं माँ की गोद में बच्चा सीखता है, तो उसमें तो मीडियम तो फिर लोकल लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज, मदर मातृभाषा ही बनती है, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। और बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, लर्निंग, उनकी इंटेलिजेंस लेवल, नहीं उनकी इंटेलिजेंस लेवल, दे विल रिसीव एंड रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली जब आप अपनी मदर टंग में उनसे बात करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इसमें कहा गया है कि सिक्स स्टैंडर्ड से अगर बच्चा चाहे तो ही कैन गो फॉर इंटर्नशिप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें उसकी दिलचस्पी है, तो उस छोटी सी उम्र में अगर बच्चे को उस तरफ डाला जाए तो वो कितना उसकी ग्रोथ को कितना इम्पैक्ट करेगा, कितना उसको फ़ायदा देगा? इसके दो चीज़ है। आप देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक को ये कॉलेज करना, यूनिवर्सिटीज करना है, रिसर्च करना है। अगर आप उस स्टैंडर्ड से अप्रेंटिसशिप दे रहे हैं, यू आर इम्पार्टिंग स्किल, लाइफ स्किल्स। देखिए, हमारे यहाँ आजकल विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ एक वोकेशनल कोर्स ब्यूटी एंड वेलनेस चल रहा है जी। और ब्यूटी एंड वेलनेस का ऐसा है कि वो बच्चियाँ दूर दूर से आती हैं, दे ऑलरेडी स्टार्टेड अर्निंग। जो आजकल आपको पता है हेल्थ कॉन्शियसनेस है, हाइजीन है, तो ये सारे एरिया में है। तो बच्चे जो हमारे यहाँ ट्रेन करके जाते हैं अपने गांव में, वो कहती हैं दिन का कभी कभी 200 रुपया भी वो कमाते हैं। जी जी। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। एजुकेशन मस्ट क्रिएट ए बेसिस फॉर ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके लिए आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्या होनी, लाइफ स्किल्स होने चाहिए। मुझे लगता है बड़ा अच्छा मॉडल है ये कि आपके जिन बच्चों को रुझान है
जिस आर्ट में क्राफ्ट में या उनको आप ओरिएंटेशन देते हैं जी, उससे क्या होगा कि जो आपकी एक वो कहते हैं रिजर्व आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयबल एजुकेटेड यूथ, यस दैट एड्स टू द सोशल प्रॉब्लम। आप यहाँ जे एंड के में भी देखिए जो अनएजुकेटेड यूथ है खास करके दे बिकम वेनरेबल टू द एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि उनके पास डिग्री है पर जॉब नहीं है, डिग्री है पर लाइफ कोई लाइफ अप्रोच नहीं है। सो ये वेनरेबिलिटी ख़त्म करेगा जब आप वहीं से बच्चे को सिखा रहे हैं और डिग्निटी व्हाट यू कॉल डिग्निटी ऑफ लेबर है दैट इज बीन ब्रॉट इनटू इट। इवैल्यूएशन की सर आपने बात की, तो इवैल्यूएशन के प्रोसेस में भी कुछ चेंजेस किए हैं, सेल्फ असेसमेंट की बात की है, जो पीयर ग्रुप है वो भी आपको मार्क्स देगा, आपके टीचर्स भी मार्क्स देंगे, उसके लिहाज से उसी के हिसाब से आपकी इवैल्यूएशन होगी, वो कितना अच्छा साबित होने जा रहा है? बड़ा हेल्दी है। मैं आपको कहूँ हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होते हैं तो रिजल्ट तभी निकलता है जब बच्चे अपना पेपर देखेंगे, कहेंगे जी हाँ मेरी मार्किंग ठीक हुई है। तो आज तक देखिए हमारे यहाँ कोई रिपेयर के मतलब वो क्या कहते हैं उसको रिवैल्यूएशन का कोई केस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसको पार्टिसिपेंट पर नहीं, उसको तो पता चलिए कि मेरी इवैल्यूएशन जो सेल्फ इवैल्यूएशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द रियल टाइम असेसमेंट ऑफ ए सेल्फ, वो बड़ा अच्छा है। इसे आपकी अगर सेल्फ असेसमेंट से आप शुरू करें इट्स ए वेरी पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जी, दैट्स वेरी। इस शिक्षा नीति पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन समय हमारे पास नहीं है कि इसकी हम बातें और इस पर करें। अंत में दो लफ्ज़ों में मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि कुल मिलाकर इस पॉलिसी को आप किस तरह से आंकते हैं या देखते हैं? दिस इज़ ए हिस्टोरिकल एंड मोमेंटस डिसीजन। ये नीति जो आई है आप देखेंगे इसी से हमारी जो मार्गदशा इस राष्ट्र के निर्माण और पुनर्निर्माण में होगा बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, बड़ा सहायक रहेगा, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन जो आपने की बदली है एक सामूहिक है, इंटीग्रेटिव है, होलिस्टिक है और फ्यूचरिस्टिक है। ये बड़ा अच्छा है। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस सोच को लेकर, जिस मकसद को लेकर ये सुधारात्मक शिक्षा नीति तैयार हुई है संसद में, ये जल्द पास हो जाए और इम्प्लीमेंट हो जाए और असरदार ढंग से इम्प्लीमेंट हो। तो डॉक्टर साहब आज की बातचीत के बाद हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर ये नई शिक्षा नीति जो तैयार की गई है ये जल्द से जल्द संसद में पारित हो जाए और असरदार ढंग से देश में लागू हो ताकि इसके जो लक्ष्य हैं वो हम हासिल कर पाएँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया।